हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट स्टडी क्लासेस पर। आज आपका भाई लेकर आ गया है क्लास नाइन्थ का हिंदी मीडियम का। किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं आपके, हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से हों पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हों। तो आज आपको पढ़ाएंगे हमारे आसपास के पदार्थ, साइंस में हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर को पढ़ाएंगे। उस पर पढ़ेंगे द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ जो भी है उसको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपको द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ पता होना चाहिए क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य वह वस्तु है, द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वही आपका द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ, समझ गए। द्रव्य पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। द्रव्य के कण जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं। द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे देख लीजिए, ये बना रहे हैं द्रव्य, तो थोड़ा थोड़ा इनके बीच में रिक्त स्थान पाया गया, थोड़ा थोड़ा एकदम रिक्त स्थान है इनके बीच में। इसीलिए आपको ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। द्रव्य के कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है। द्रव्य के कण जो होते हैं, ये कण जो होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। इस तरह से गति करते रहते हैं, ऐसे ऐसे एकदम इस तरह गति करते रहते हैं। और द्रव्य के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें अंतराणु आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और द्रव्य को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो अवस्थाओं के आधार पर बांटा जा सकता है। नंबर एक, भौतिक अवस्था के आधार पर आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। क्या समझे, नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। और रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध द्रव्य, मिश्रण। और शुद्ध द्रव्य जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है। और जो मिश्रण होता है वो आपका वो भी दो प्रकार का होता है, नंबर एक समांगी मिश्रण, नंबर दो विषमांगी मिश्रण। समझिए, आइए एक बार फिर से देखते एक नज़र फिर से देखते हैं द्रव्य पर। द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती रहता है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वही आपका द्रव्य है। द्रव्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे द्रव्य में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। द्रव्य के कण गतिमान होते हैं। द्रव्य अत्यधिक छोटे होते हैं, समझ गए। द्रव्य के कण जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं। द्रव्य के कण गतिमान होते हैं। द्रव्य के कण क्या होते हैं, द्रव्य के कण गतिमान होते हैं। और इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो अवस्थाओं के आधार पर बांटा जा सकता है। नंबर एक भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, नंबर दो रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक शुद्ध द्रव, नंबर दो मिश्रण। शुद्ध द्रव दो प्रकार के होते हैं, आपके तत्व और यौगिक। और आपके जो मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समझ गए, इतना टॉपिक क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के वर्गीकरण में आप लोगों ने पढ़ा कि भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य जो होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ठोस क्या होता है। ठोस वह पदार्थ या वह द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह आपके क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तथा जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जाता, अर्थात दबाया नहीं जा सकता है। जैसे ये ठोस है, मान लीजिए ये मार्कर मेरा ठोस है, तो इसको हम दबाएंगे अगर, तो इसे संपीड़ित ज़्यादा तक नहीं किया जा सकता है। इस पर बहुत अधिक दाब लगाएंगे तब जाके ये संपीड़ित होगा।
अन्यथा यह संपीड़ित नहीं जा नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपका द्रव जो होता है, वो द्रव जो होता है इसका आकार और आकार तो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन जो होता है वो इसका निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अब मैंने 15 ग्राम O2 लिया और इस O2 को मैंने एक जार में भर दिया, तो ये तो निश्चित है 15 ग्राम जो है वो एक तौला नापा तो है, इसलिए वो निश्चित है। इसलिए द्रव जो होता है वो उसका आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। और गैस जो होता है उसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, समझ गए। और ये जो ठोस के अण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठोस के अण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जबकि द्रव के अणु थोड़ा उनसे दूर दूर थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जबकि गैस के अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और इसमें अगर तुलना करने में तीनों की तुलना करने को कहा जाए तो जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ठोस, ठोस में आप ठोस द्रव गैस तीन तीन तरह लिखेंगे आप, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आपका कि ठोस जो इनका आकार वो निश्चित होता है, और दूसरा पॉइंट गैस में लिखेंगे इनका इनका आकार अनिश्चित होता है, और द्रव में भी लिखेंगे इनका आकार अनिश्चित होता है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका आयतन निश्चित होता है, और गैस में भी लिखेंगे कि इनका आयतन निश्चित अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, और द्रव में भी लिखेंगे इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, और इनका घनत्व जो होता है ठोस का घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, और जो द्रव का घनत्व होता है वो उससे कम होता है, जो गैस का घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। और इनका गलनांक जो होता है ठोसों का गलनांक जो होता है बहुत इनका गलनांक निश्चित होता है, और द्रव का जो होता है वो गलनांक नहीं होता जबकि क्वथनांक होता है, वो क्वथनांक उनका निश्चित होता है, और गैस का जो होता है इनका एक निश्चित ताप ही क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप आप लोग समझ लें, जैसे कि क्रांतिक ताप का मतलब हो गया वह ताप जिस पर जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि जैसे ताप है आपका, उस पर दाब लगाकर या दाब बढ़ाकर उसको द्रवित नहीं किया सकता है, उस गैस को द्रवित नहीं किया सकता, अर्थात ताप और दाब को घटाकर या बढ़ाकर उसको द्रवित नहीं किया सकता, वही आपका क्रांतिक ताप है। और एग्जांपल के तौर पे ठोस में हो जाएगा बर्फ हो जाएगा, मोम हो जाएगा आपका, गंधक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और द्रव में हो जाएगा जल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा आदि, और गैस में हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N2 से, और इसको H2 से, समझ गए। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं यदि आप, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम किस लेसन से पढ़ाएं, कौन सा लेसन पढ़ाएं। आप अपना कमेंट भेज सकते हैं हमें, डायरेक्ट कमेंट भेज सकते हैं, और यदि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़िए। 9th एंड 10th के लिए हमारे चैनल पर फुल कंटेंट एकदम फ्री में उपलब्ध रहेगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।